काफ़ी मोटा टायर है, आप देख सकते हो, पतला टायर नहीं है। अब जो स्टैंडर्ड्स आ रही है उनमें आपको पतला टायर देखने को मिलता है, बट एग्जैक्टली इस वाली गाड़ी में आपको मोटा टायर देखने को मिलता है। फिनिश है, अगर आप वैसे भी नॉर्मल लेते हो ना तो आपको 1.5 लाख में तो 350 cc स्टैंडर्ड कोई नहीं देगा भाई, वो भी BS4 मॉडल। BS6 तो कोई लेने नहीं चाहता बी को। अगर आप ये बाइक परचेज करते हो तो आपको कुछ रिलीफ भी मिल जाएगा एंड आपको इसके साथ सर्विस की कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएंगे शोरूम की तरफ से। सो फ्रेंड्स, ये खड़ी हुई है बुलेट स्टैंडर्ड 500 cc एंड एग्जैक्टली ये बिल्कुल सेम है बुलेट 350 cc की तरह। एंड आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से इसकी की होने वाली है। की पे कोई भी आपको आगे का कोई भी बैजिंग देखने को नहीं मिलता है। एंड ये जो आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड की चैन होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ, डिट्टो सेम है बुलेट 350 की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से काफ़ी टाइम पहले जब बुलेट लॉन्च हुई थी सीरीज तो ये 500 cc में आया करती थी, वही ये मॉडल बचा हुआ है। मैं आपको बताया तो ये जो मॉडल है ये आप इसको खरीद सकते हो, ये सोल्ड आउट कर रहे हैं शोरूम वाले, शोरूम का ही मॉडल है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हो जो नंबर है R02BD5532 एंड जो इसका बाइक का प्राइस जो डिमांड कर रहे हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ बाइक एग्जैक्टली कैसी है, कहीं से डेंट वगैरह है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाना चाहूँगा ये सीट है एंड सीरियसली सीट कवर छड़ा हुआ है बाइक के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब 350 से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सीट है इसकी। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सेल्फ देखने को मिलता है, ये सेल्फ है एग्जैक्टली, की मेरे पास है, अभी बाइक है जो ऑफ है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, मेड लाइक अ गन ट्रेडमार्क्स रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल। तो ये पुरानी बाइक्स में आया करता था, अब न्यू बाइक्स में ये स्टिकर नहीं देते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलना चाहूँगा मीटर के पास, तो मीटर वही अपना ओल्ड वाला मीटर आप देख सकते हो, स्पीडोमीटर, ये 10,000 किलोमीटर चली हुई है बाइक्स अप्रोक्स। एंड यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स लो बीम हाई बीम आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ इस बाइक का जो प्राइस उन्होंने आस्क किया है वो है 1,50,000। जी हाँ, 1,50,000 रुपये इस बाइक का प्राइस आप पे करें ले जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये जो बाइक है सिर्फ ओनली 10,000 किलोमीटर चली हुई है, ये बाइक ज़्यादा नहीं चली हुई है। एंड आपको दिखाता हूँ पीछे से एग्जैक्टली आपको बैक रेस्ट भी देखने को मिलता है। तो ये बुलेट 500 है एंड आपके मन में चल रहा होगा कि क्या एवरेज आपको ये देगी, तो आप देख सकते हो पीछे भी नंबर प्लेट लगी हुई है एंड सोकर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब गाड़ी पूरी मेंटेन है, काफ़ी अच्छी किसी ने चलाई है। एंड आपको सीरियसली बताना चाहूँगा इसमें आपको ना डुअल हॉर्न देखने को मिलता है, एक हॉर्न आप यहाँ देख सकते हो, एक हॉर्न वहाँ देख सकते हो। तो बुलेट 500 में पहले डुअल हॉर्न आया करते थे, तो अब जो है सिंगल हॉर्न कर दिया है। एंड जो ये बाइक है सिंगल सिलेंडर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ, वही नॉर्मल आपको हेलोजन देखने को मिलता है। एंड इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हो कितने हैवी हैं, अब जो बुलेट 350 आ रही है उससे तो काफ़ी हैवी एंड थोड़े बड़े इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड सीरियसली जो बाइक है ये EFI में है, 499 cc की ये बाइक होने वाली है। एंड सीरियसली अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये एवरेज क्या देगी, जब बुलेट 350 ही हमको 30 से 35 का एवरेज देती है तो ये क्या ही एवरेज देगी। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो बाइक है ना ये BS4 मॉडल है, अब जो बाइक आ रही है वो BS6 का Phase 2 मॉडल आ रहा है जिनमें सेंसर्स ज़्यादा हो चुका है, बट इस बाइक में काफ़ी लेस सेंसर है जिसकी वजह से इस बाइक का सीरियसली एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको 40 to 45, बिकॉज ये जो बाइक है ये जब EFI लॉन्च हुआ था ना तब की ये बाइक है एंड ये BS4 मॉडल है, एंड BS4 के जो मॉडल्स थे वो काफ़ी अच्छी एवरेज देते हैं। एंड सीरियसली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस बाइक में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने स्प्लेंडर परचेज़ किया, बिकॉज इस बाइक का जो फ्रंट टायर है ना वो आपको 19 इंची का देखने को मिलता है, सिंगल डिस्क के साथ ये बाइक आती है, आप देख सकते हो फ्रंट में डिस्क ब्रेक। एंड वहीं अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना इस बाइक का जो रियर टायर है वो आपको कितने का देखने को मिलता है, तो इस बाइक का जो रियर टायर है वो आपको 18 इंचज़ का देखने को मिलता है। आप देख सकते हो काफ़ी मोटा टायर है, आप देख सकते हो पतला टायर नहीं है, अब जो स्टैंडर्ड्स आ रही है उनमें आपको पतला टायर देखने को मिलता है, बट एग्जैक्टली इस वाली गाड़ी में आपको मोटा टायर देखने को मिलता है। एंड MRF का टायर है पिछला एंड फ्रंट भी MRF का है, तो मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी काफ़ी सही है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 2023 में बुलेट लवर है, बुलेट लेना चाह रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपये आप पे करते हैं, 2.5 लाख तो नहीं बट मे बी 2-3 के समथिंग अब बाइक हो चुकी है एंड उसमें आप एसेसरीज भी लगवाओगे। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ एवरेज नहीं है, अब जो अपकमिंग बाइक्स आ रही हैं मे बी आपको 30 से 35 का ही एवरेज देखने को मिलेगा, बट सीरियसली अगर आप डिसेंट वे से चलाते हैं ना बाइक को तो गो फॉर इट, आपको जो पावर है ना वो भी ज़्यादा मिलने वाला है। इस बाइक का जो टॉर्क है ना 43 Nm टॉर्क है इस बाइक का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, अब जो स्टैंडर्ड आ रही है उसका मे बी 24 के समथिंग है, 24 न्यूटन मीटर टॉर्क
प्रोड्यूस करती है पावर, बट सीरियसली इस बाइक का जो टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड आप देख सकते हो ये भी खड़ी हुई है स्टॉक में, काफ़ी दिनों से ही खड़ी हुई है। मैंने काफ़ी दिनों से देखता हूँ इसको, तो मैं सोचा क्यों ना, मैंने पूछा कि आप इसको सोल्ड आउट करें, तो उन्होंने बोला जी हम सोल्ड आउट करते हैं। उनकी डिमांड है, आस्किंग प्राइस है वो 1.5 लाख है, इससे बिल्कुल कम नहीं है। देखो आप वैसे भी मार्केट में बाइक लेने जाओगे सेकंड हैंड, तो आपको इस कंडीशन में तो नहीं देखने को मिलेगी कोई भी बाइक। आप देख सकते हो सब कुछ ओरिजिनल है, रॉयल एनफील्ड आप टेल लाइट देख सकते हो, इंडिकेटर्स देख सकते हो, एंड है ना सीट देख सकते हो, सीट की जो भी मतलब ओरिजिनल सीट कवर है। एंड आप देख सकते हो, मैं आपको ना स्क्रैच दिखा देता हूँ, अगर आपको स्क्रैच कहीं दिखता है बाइक पे, बिल्कुल फुल्ली फिनिश है। अगर आप वैसे भी नॉर्मल लेते हो ना, तो आपको 1.5 लाख में तो 350 cc स्टैंडर्ड कोई नहीं देगा भाई, वो भी BS4 मॉडल। BS6 तो कोई लेने नहीं चाह रहा, बिकॉज है ना लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड ले लेते हैं, उनमें एग्जॉस्ट चेंज कराते हैं, अलॉय व्हील्स लगवा लेते हैं, एंड देन चलाओ उसको। इंजन है ना एक साल में बोल जाता है, एवरेज निकल के नहीं आती, बस रील्स वगैरह आप लोग बना लेते हो। बट सीरियसली आपको एक फैमिली बजटेबल बाइक चाहिए एंड आप सोच रहे हो कि होनी चाहिए, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा आप गो फॉर इट, जा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये बाइक परचेज करते हो तो आपको कुछ रिलीफ भी मिल जाएगा, एंड आपको इसके साथ सर्विस की कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएंगे शोरूम की तरफ से, वो भी सिर्फ इसी शोरूम पे वैलिड रहेगा। बिकॉज ये शोरूम से आप बाइक ले रहे हो, सेकंड हैंड बाइक है, 1.5 लाख रुपये इसका डिमांड कर रहे हैं। अगर आपको ये बाइक चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नाम नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड सीरियसली अगर आप बुलेट लेना चाह रहे हो, देखो मेरे को बुलेट पर्सनली अच्छी नहीं लगती बिकॉज मेरे को वाइब्रेशन पसंद नहीं है, तो अगर आप लेना चाहें तो गो फॉर इट, काफ़ी अच्छी बाइक है, वाइब्रेशन है, मैं उसके लिए सजेशन दूंगा आपको। आप यहाँ पे हैंडल बार लगवा सकते हैं जिससे वाइब्रेशन कम हो जाएगा। एंड सीरियसली 500 सीसी का जो भी पिकअप है ना एक नंबर, बिकॉज इसका जो एवरेज है मेरे फ्रेंड के पास भी, वो बताता है कि पुराने मॉडल्स का जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। अब जो मॉडल्स आए उनका इतना एवरेज नहीं है, बट पुराने मॉडल्स का काफ़ी अच्छा एवरेज है। बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 3.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है, सेम ग्राउंड क्लियरेंस है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। 136 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं टोटल वेट की, तो कितना वेट होने वाला है, तो 196 kg इस बाइक का वेट होने वाला है। तो वही पुराना सिस्टम है, एंड आप देख सकते हो पुराने मॉडल्स कुछ इस तरीके से होते थे, आप देख सकते हो सेटअप हैवी इंजन है, ऐसा नहीं है कि 350 की तरह सिंगल सिलेंडर है, बट इंजन में जो जान है ना पुरानी वाली जान है, तो आप कह सकते हो पुरानी बुलेट है। एग्जैक्टली कह सकते हो एग्जैक्टली है ये पुरानी बुलेट। आई होप अगर आपको ये बाइक लेनी हो तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नाम एंड नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड बाइक को सपोर्ट करना। आप लोग है ना लाइक कर देते हो पर है ना कमेंट नहीं करते कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, जिससे मैं यार मोटिवेट होकर कुछ और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो मिलेंगे फिर एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।